कभी-कभार लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि वो जो पीडीएफ फाइल होती है उसमें कभी-कभार पासवर्ड लगा होता है, तो उसको चाहते हैं लोग कि उसको हम अनलॉक कर पाएँ, उसमें कोई भी पासवर्ड खोलते समय ना मांगा जाए, तो उसको किस तरीके से किया जाएगा आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे। हमारे पास एक सिंपल सा पीडीएफ है ईमेल पे पड़ा हुआ, उसमें जो है पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर हम उसको ओपन करते हैं तो हम इसको जो है बिना पासवर्ड के ओपन करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से ओपन होता है, और हमेशा के लिए आप बिना पासवर्ड के उसको जो है अनलॉक कर पाओगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर दिए हैं, तो आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है मैं चला जाता हूँ अपने ईमेल में, तो अपने ईमेल से मैं वो वाला निकाल लेता हूँ। हमारे पास ये है ईमेल, हमारे पास एक है जो है स्टेटमेंट बैंक का पड़ा हुआ है जो कि ओपन नहीं होता है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इसमें पासवर्ड मांगा जाता है। यहाँ पे मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये पासवर्ड बार बार मांगा जाता है। ये है पीडीएफ, इसको मैं करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है दिखता है किससे आप ओपन करना चाहते हो, तो मैं चलता हूँ। तो मैंने जो है इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा है। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड इंटर करूँगा, पासवर्ड इंटर करने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद ओपन पे मैं क्लिक करूँगा और ये सिंपल सा आराम से बिल्कुल ओपन हो चुका है पीडीएफ। अब ये जितनी बार मैं पीडीएफ ओपन करूँगा बार बार जो है मुझे पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी पासवर्ड डालना ना पड़े, मेरा पीडीएफ बहुत ही आसानी से बिना पासवर्ड के ओपन हो पाए और मैं कहीं पर भी इसे शेयर करूँ किसी के भी साथ तो उसको पासवर्ड डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े, वो सिंपल सा क्लिक करे और जो है पीडीएफ उसके सामने ओपन हो जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है थ्री डॉट की, यहाँ पे किनारे में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे से सेकंड नंबर पे मिलता है प्रिंट का ऑप्शन, आपके मोबाइल में भी प्रिंट का ऑप्शन जहाँ पे भी रहेगा आप वहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है ऑप्शन सेव एज पीडीएफ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे ऑल प्रिंटर पहले से आप में शायद सिलेक्ट रहा हो तो इसको आपको नहीं करना है, आपको बैक आना है। यहाँ पे सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन एक और मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे साइन दे रहा है डाउनलोड का पीडीएफ, यह आपका जो भी फाइल है वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन मांगेगा कि आप कहाँ पे इसको रखना चाहते हो। मैं चलिए ठीक है डाउनलोड्स के ऑप्शन में ही इसको रखना चाहता हूँ। नीचे यहाँ पे मेरे को सेव का ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सिंपल सा। उसके बाद ये जो है फ़ाइल डाउनलोड होके आराम से सेव हो गई है हमारे फाइल में। अब मैं इसको चलिए ओपन करके दिखाता हूँ कि यह पासवर्ड मांगता है या फिर नहीं मांगता। हमारे पास जो है ये डाउनलोड के ऑप्शन में ये वाली फ़ाइल आ चुकी है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ से जो ये फ़ाइल है बिना पासवर्ड के ये ओपन हो चुकी है, आपने बिल्कुल देख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने भी अपना इस तरीके से ओपन कर लिया होगा। उसके बाद एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है थोड़ी सी, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं। अगर कोई यहाँ तक देख रहा होगा तो वो लाइक जाहिर से बातें करेगा और उसका जो है सक्सेसफुल जो पीडीएफ का पासवर्ड था वो प्रोटेक्टेड अब नहीं रहा, अब बिना पासवर्ड के पीडीएफ उसका हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें सिंपल वे में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है ऐसे आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला है। आप इसको लाइक करना, शेयर करना उनके साथ जो इस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं और परेशान हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल पे जो है ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर आप सेलेक्ट करना ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरीके की जो भी फ्यूचर में वीडियो आएंगे उसका आपको मिल पाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।